आई थिंक द डॉलर हैज़ टू बी फेयरली प्राइस्ड एट ऑल टाइम्स सो यू डोंट गेट शॉक्स. ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल आप खींच के रखें और फिर हर पाँच साल बाद एक 100% की डिवेल्यूएशन कर दें. मैं इससे नहीं अग्री करता, मगर ये जो अनफेटर्ड डिवेल्यूएशन है ना जिसको हम जो हम करते हैं इस मुल्क में, आई डोंट अग्री विद दैट ऑल्सो. और वो हमें वी शुड लर्न टू लिव विद इन आवर मींस, अपने डॉलर्स की प्रिजर्वेशन करें, कम से कम इस्तेमाल करें. प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस जो हैं, देखिए ना फ्यूल जो है, अगर आप पीटीआई गवर्नमेंट का लास्ट ईयर देखें, जितना बड़ा उनका डेफिसिट था, सारा कंजम्पशन बेस्ड डेफिसिट है. क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स, लग्जरी गुड्स, ऑयल प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री. तेल को तो हमें बिल्कुल बचा के रखना चाहिए कि यार इसको कम से कम इस्तेमाल करें. तो अभी भी हमारी जो प्राइस है तेल की, वो ठीक है बड़ी हाई लगती है लोगों को, बट इट्स स्टिल लोअर देन इट्स लोअर दैन और इक्विवेलेंट टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. तो हमारा तो एक हमारे जो डॉलर हैं, जो हमारे मुल्क में जो हमारी एक्सपोर्ट की और रिमिटेंसेस की और जो थोड़ी बहुत ही FDI होती है, वो हमारे डॉलर्स जो हैं वो तो बहुत दे आर द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स दैट वी हैव. तो उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए. हम प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस क्रिएट करके खर्च देते हैं और फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आ जाता है, फिर हम रुपये को डिवैल्यू करते हैं, फिर हम इंटरेस्ट रेट. सो हमें जरा थोड़ा सा जो है ना इस मुल्क में एहसास होना चाहिए लोगों को कि यार हम कर क्या रहे हैं इकॉनमी के साथ. जो हमारे रुपए के साथ हुआ है ओवर द ईयर्स, वो क्यों हुआ है? बिकॉज वी लिव बियॉन्ड आर मीन्स. हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आता है, फिर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आती है आफ्टर डिवेल्यूएशन, फिर हमारा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बढ़ जाता है, फिर हम एक इन्फ्लेशनरी लूप में फंस जाते हैं. तो उसमें किसका नुकसान होता है? आम लोगों का नुकसान होता है. और सॉरी, आपने एक बात की थी चाइना की. ठीक है, चाइना का बहुत बड़ा एक्सपोर्टेबल सरप्लस है. जो वो चाइना की मेन इम्पोर्ट इज़ लाइक रॉ मटेरियल्स, फिर वो उसमें ह्यूज वैल्यू एडिशन करते हैं और वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं. तो चाइना वाला जो एग्जाम्पल जो हम देते हैं ना इस मुल्क में, वो इनकरेक्ट है. हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत सीमेंट, कुछ छोटी मोटी इंजीनियरिंग की गुड्स कर देते हैं. सो आवर एक्सपोर्ट बेस इज़ वेरी लो. बट जो हमने वेयर वी आर एज एन इकॉनमी, एंड आई डोंट, मैं इसमें ब्लेम, लोग इस मुल्क में स्केप कोट्स ढूंढते हैं कि जी ये इसकी गलती है, उसकी गलती है. ये सबकी गलती है. और ये सिलसिला जो है, ये खैर चल तो बहुत देर से रहा है, बट अगर हम मेजरली देखें तो ये 2007 में बेसिकली ये सारा शुरू हुआ था कि जब हमने फॉर पॉलिटिकल रीजंस प्राइस एडजस्टमेंट्स पास ऑन नहीं की थी. फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, उसको ठा करके एक चीज़ें ठीक करनी पड़ी. फिर उन्होंने भी वही किया, फिर नवाज शरीफ साहब को चीज़ें ठीक करनी पड़ी, फिर उन्होंने भी वही किया. फिर PTI ने तो खैर अन्नी फेर दी एंड में. बट ये हमने इस मुल्क की बैलेंस शीट को इस्तेमाल किया है पॉलिटिक्स खेलने के लिए कि यार ये तेल फ्री में दे दो, ये जी बैक डेट में एम्प्लॉयज़ जो हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के 30 साल पुराने एम्प्लॉयज़, उनको वापस ले आओ, उनको बैक डेट में पेमेंटें कर दो, ये इधर सब्सिडी दे दो, इधर गैस की प्राइस ना बढ़ाओ, ये इस नॉर्थ साउथ में डिफरेंशियल क्रिएट कर दो, ये LNG को एक साइड पे पार्क कर दो और उसका एक सर्कुलर डेट बना लिया. जैसे जोक अगर आप देखें तो देखें ना, 3.2 trillion का गैस का सर्कुलर डेट है, पता नहीं 3 trillion का पावर का सर्कुलर डेट है. सर्कुलर डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज द सेम लेवल एज एक्सपोर्ट्स. व्हाई इज दिस द थिंग? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लेट फॉरगेट द कंट्री, आपकी लेट्स से अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, आप और मैं आपके पास आता हूँ कोई चीज़ खरीदने के लिए, लेट्स से आप मोटरसाइकिल बेचते हैं और आपकी कॉस्ट मोटरसाइकिल की 1,00,000 रुपये है, तो आपको मार्जिन लगा के मुझे बेचेंगे ना? आप कहेंगे यार मेरी कॉस्ट 1,00,000 रुपये है, मैं तुम्हें 1,25,00,000 की बेच देता हूँ. आप ये तो नहीं कहेंगे यार ये 30,000 की मेरे से ले लो. तो कॉस्ट हमारी पावर और गैस की एक्स है, बेचते हैं हम उसको एक्स माइनस 70% पे. वाई? रीजन यही है ना कि everyone is trying to basically आलू गोश्त बना के हमने सुई की गैस फील्ड खत्म कर दी है घरों में दे के लोगों को फ्री में. ठीक है, अब मुझे याद है एज अ चाइल्ड मेरे घर में मेरी वालदा रोज़ जाती थी किचन में, रात को चेक करती थी कि चूल्हा ऑफ है कि ऑन है.
क्योंकि जो मुलाजमीन थे वो माचिस की तीली बचाने के पीछे वो लोप पे चूल्हा ऑन छोड़ते थे। ये अमूमन लोगों की ये चाइल्डहुड में मैंने देखा है। सुई वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड्स इन द वर्ल्ड जब वो डिस्कवर हुई थी। क्या हमने कोई एलुमिनियम के प्लांट लगाए पाकिस्तान में? हमने कोई मल्टीपल स्टील मिलने लगाई? हमने कोई क्या किया? हमने उसको लाइनें बचा बचा के लोगों के घरों में दे दी फ्री में, और फिर वीवो का पंडे एंड ओहो ये तो गैस ही खत्म होगी पाकिस्तान में। इवन सीएनजी का जो बिल्कुल सीएनजी एक बिल्कुल ही अहमकाना फैसला। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई थी, वो दिल्ली गए थे, उन्होंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे बस वहाँ पे यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चल रही थी। हमने यहाँ पे यार आई एक्चुअली सीन मुझे याद है अभी भी कि जब वॉर ऑन टेरर यहाँ पे 2008-9-10 तो हर जगह जहाँ भी आप जाते थे ना तो गाड़ियों की चेकिंग होती थी, वो डिक्की शिक्की खोलते थे। आई हैव सीन अ लैंड क्रूजर जिसमें सीएनजी की किट लगी हुई थी। मुझे बताएं कि इस तरह की हम डिस्टॉर्शंस क्रिएट करके फिर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी का दिवाली। किलोमीटर के अंदर चार चार स्टेशन थे वैसे, और फिर हम कहते हैं, और सारी चोरी वो जो आप जाते थे ना जब आप सीएनजी स्टेशंस देखते थे तो उसमें 20% डिस्काउंट 40% वो डिस्काउंट क्या था? वो चोरी थी, वो चोरी की गैस थी, वो लोगों को बेचे थे। सो और उसका बाय द वे मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ जरदारी साहब की गवर्नमेंट को, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई थी सीएनजी बंद करने की। इट वाज वो जब वो पहले लोड शेडिंग ऑन द सीएनजी और द 6-6 किलोमीटर की लाइन भी हमने देखी है। आपको याद है? बट देखिए ना, जब आप प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेंगे मार्केट में तो ये प्रॉब्लम होगा। हमने अपनी हमारा मुल्क की बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, हमारे लोगों की जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी और जो जनरली अदर देन दिस लेटेस्ट क्राइसिस अगर आप इससे पहले चले जाएँ तो पीपल वर ओके, आई मीन यू नो पीपल वर मेकिंग मनी, बट द प्रॉब्लम इज कि हमने मुल्क की बैलेंस शीट का बेड़ा गर्क कर दिया बिकॉज ऑफ प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस एंड ऑल ऑफ दोज डिसीजंस आर पॉलिटिकल। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए हमने किसी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी को नाराज करने का किसी ने जहमत दी।